हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे हम उस इक्विलिब्रियम को देखेंगे जिसमें हम या तो सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे या फिर हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। सबसे पहले जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, जब हम एक थिक शुगर का सिरप बनाते हैं, मतलब शुगर सिरप का जो सॉल्यूशन बनता है, जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं एट हायर टेम्परेचर, तो क्या होता है कि जो हमारी शुगर उसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं, पर शुगर क्रिस्टल क्या करेंगे, दे विल सेपरेट आउट इफ वी कूल द सिरप टू द रूम टेम्परेचर। आपने पहले क्या किया, शुगर सिरप बनाया, सॉल्यूशन शुगर सिरप का सॉल्यूशन बना रहे हैं जब आप शुगर को हायर टेम्परेचर पे अपने लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। जब उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दोगे तो क्या होगा कि आपके जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं वो सेपरेट आउट करेंगे, मतलब कि अब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया कि अब और तो उसके अंदर शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। मतलब टेम्परेचर ज्यादा था तो शुगर इजिली डिसॉल्व होती जा रही थी लिक्विड में, टेम्परेचर कम हुआ उसकी पावर कम हो गई डिसॉल्व होने की, वो डिसॉल्व नहीं कर रही है, वो सेपरेट आउट हो गई वापस। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा एग्जिस्ट करता है बिटवीन दी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड स्टेट एंड दी सॉलिड मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। जैसे शुगर का सॉल्यूशन, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम विद दी शुगर का सॉलिड फॉर्म में। सो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। मतलब पहले क्या हुआ, एक टेम्परेचर बढ़ा हम कर रहे हैं, हायर टेम्परेचर लिया, ऑलमोस्ट शुगर डिसॉल्व होती जा रही है। टेम्परेचर कम किया, रूम टेम्परेचर पे लाके रखा, शुगर हमारा वो उतना जो अब शुगर का अमाउंट था वो वापस क्रिस्टलाइज हो गया। मतलब उस टेम्परेचर पे उतना शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकता था, उससे कम होना था, तो जो बाकी था वो हमारा क्रिस्टल फॉर्म में आ गया। अब आप टेम्परेचर को फिर बढ़ा दो, वो वापस फिर उसके अंदर चला जाएगा, वो सोल्यूशन में फिर मिक्स होने लगेगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर के साथ जो है ये डिसोल्यूशन वेरी कर रही है। सो इक्वालिटी ऑफ द टू रेट्स एंड द डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम हैज बीन कंफर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ रेडियोएक्टिव शुगर। तो अगर हम कोई रेडियोएक्टिव शुगर ले एंड वी ड्रॉप दिस इनटू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव शुगर, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द नॉन रेडियोएक्टिव शुगर। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव शुगर में आपने क्या किया, यहाँ पे इसने ऐड किया आपने रेडियोएक्टिव शुगर को। सो अब क्या होगा, इनिशियली देयर वर नो रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, पर क्योंकि डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या होगा, देयर विल अकर द एक्सचेंज बिटवीन द रेडियोएक्टिव एंड द नॉन रेडियोएक्टिव शुगर मॉलिक्यूल्स बिटवीन द टू फेजेस। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई पहले तो रेडियोएक्टिव शुगर था नहीं, अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेडियोएक्टिव शुगर एंड रेडियोएक्टिव शुगर के बीच में यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होने लगेगा। सो रेशियो जो है हमारा रेडियोएक्टिव का टू द नॉन रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, वो इंक्रीज करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पता लगा लेंगे हमारे कि इक्विलिब्रियम अटेन हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा गैसेस इन लिक्विड। तो जो आपकी सोडा वाटर बॉटल होती है उसको जब आप ओपन करते हो तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है वो एकदम से बाहर निकल के आती है। तो ये फिनोमिना कहाँ से आया, दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। आप प्रेशर वेरी करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी। सो प्रेशर इज वेरिड, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम इन द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स डिसॉल्वड इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन होगी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में और उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमारे पहले ही लिक्विड के अंदर अंडर प्रेशर हमने डिसॉल्व कर रखे हैं। सो ये CO2 गैस, इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द CO2 इन द सॉल्यूशन। तो ये इक्विलिब्रियम जो है ये किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ क्या कहता था कि जो मास है हमारी गैस का जो कि डिसॉल्वड है इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपकी जो मास ऑफ गैस है डिसॉल्वड है इन अ गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर टी, वो किस पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट।
सो दिस अमाउंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो मास है हमारी गैस का जो कि डिसॉल्व है इन अ सॉल्वेंट, तो वो क्या करेगा, इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वो वेरी करेगा. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये अमाउंट जो है हमारा डिसॉल्व अमाउंट ये हमारा कम हो जाएगा. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे, क्लास 12th में आपका ये पूरा चैप्टर है उसके, इसके बारे में आप वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. यहाँ पे फिलहाल आप इतना समझ लो कि जो मास होता है किसी भी गैस का जो कि डिसॉल्व होगा इन अ गिवन सॉल्वेंट वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर. सो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट. मतलब गैस का प्रेशर सॉल्वेंट के ऊपर क्या है ये उस पर डिपेंड करेगा. सो दिस विल बी एम इक्वल टू के पी, और ये के क्या है हमारा यहाँ पे, दिस विल बी द हेनरीज कॉन्स्टेंट. सो अब आपकी जो सोडा वाटर बॉटल होती है उसको बहुत हाई प्रेशर से सील किया जाता है ताकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में बहुत ज्यादा हो, मतलब वो बहुत ज्यादा वाटर में सोल्यूबल हो जाए. तो जैसे ही आप बॉटल ओपन करोगे तो क्या होगा कि जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करेगी, अब वो बाहर का जो प्रेशर है कम है तो उसको अटेन करने की कोशिश करेगी. तो इस वजह से क्या है कि वो बाहर निकल के आ जाती है. तो मतलब पहले वो एक हाई प्रेशर पे प्रेजेंट थी, जैसे ही आपने कैन को खोला बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम है, गैस ट्राई करेगी कि वो बाहर के प्रेशर को अटेन करे, इस वजह से वो बाहर इट विल फिज आउट साइड. सो दिस इज हाउ द सोडा वाटर बॉटल इन बॉटल व्हेन लेफ्ट ओपन टू द एयर वो फ्लैट हो जाती है, क्योंकि अब सारी की सारी तो CO2 निकल गई वो बाहर आ गई, तो अब उसको हम कहेंगे फ्लैट सॉफ्ट ड्रिंक. सो फॉर द सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर एट वन एटमोस्फेयर एट विच टू फेजेस कोएग्जिस्ट. तो ये कंडीशन है जब हमारी सॉलिड इक्विलिब्रियम पे हमारी दोनों के दोनों फेज कोएग्जिस्ट करेंगे, इस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग्स एंड द मास ऑफ द टू फेजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है हमारा वो एक गिवन टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट रहेगा. नाउ फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी जो है हमारी वो एक गिवन टेम्परेचर पे वो कॉन्स्टेंट रहेगी. और फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन द लिक्विड, जो कंसेंट्रेशन है गैस की इन द लिक्विड वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर क्या है गैस का ओवर द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर गैस कौन सा प्रेशर लगा रही है उसके अकॉर्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वेरी करेगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द डिसोल्यूशन ऑफ द सॉलिड्स और गैसेस इन द, थैंक यू.